साहब, कहा जा रहा है कि पीटीआई के भी लोग इमरान खान से खुश नहीं हैं और इत्तहादी इमरान खान से बिल्कुल खुश नहीं है। इसकी गवाही तो मैं भी देता हूं। अगर कोई मुझे इसको कहता है कि आप गलत कह रहे हैं, तो मैं तीनों से बात कर चुका हूं और बहुत अंदर तक बात कर चुका हूं। तो इत्तहादी भी खुश नहीं है, पीटीआई के कुछ अहम लोग भी खुश नहीं हैं। अच्छा, इन हाउस माइनस वन इन हाउस अदम एतमाद लाना ये एक जमहूरी और आइनी हक है। अगर पार्लियामेंट ये समझती है, इत्तहादी ये समझते हैं और पीटीआई के लोग भी ये समझते हैं कि इमरान खान की जगह पीटीआई का कोई और शख्स जो है वो इस हुकूमत को चलाए, तो और इमरान खान पार्टी क़यादत के तौर पर पार्टी के ऊपर बैठ के आगे बढ़े, तो सर ये कोई बुरी बात तो नहीं है? अगर ये हो जाए तो आप इसे कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही, जितनी ये बातें माइनस वन की, इन अगले इलेक्शन की, हुकूमत के जाने की बातें किस बुनियाद पे हो रही हैं, क्या सियासी हकायक हैं, क्या पॉलिटिकल चैलेंज है इस हुकूमत को कि जो जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। अगर आज से कोई 1.5 महीना पहले जब धरना बैठा हुआ था, तो चले कुछ कुछ लोग थे, कई हज़ार थे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो तो चले आप कह सकते हैं कि आवाम कोई सड़कों पर निकली हुई है। यहाँ तो मैं तो बिल्कुल ही एक सियासी कारकुन हूँ, बिल्कुल ही ऑपोजिट पिक्चर देख रहा हूँ कि पहले साल में बहुत सारे मौशी चैलेंज थे हुकूमत को, इतना $20 अरब का खसारा था, रिजर्व्स ख़त्म हो रहे थे, आपकी करेंसी बहुत बुरी तरह डिप्रिशिएट कर रही थी, आपका मुल्क का हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे था, सारे जो आपके इंटरनेशनल एजेंसीज थी वो आपको नेगेटिव रेट कर रही थी। एक साल में मुश्किल ज़रूर था, लेकिन रिफॉर्म हो गया, आपका डॉलर क्राइसिस ख़त्म हो गया, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, आपके रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊपर जाना शुरू हो गई, करंट अकाउंट के खसारे स्लाइड करना शुरू हो गए, आपके रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गए। एक तो ये बात है। दूसरा, सियासत में क्या हुआ? ऑपोजिशन आई, उन्होंने कहा हम सखर से निकलेंगे, एक सैलाब आएगा, एक तूफ़ान आएगा, एक जलजला आएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग नून लाहौर से लाखों लोग साथ शामिल होंगे, जीटी रोड भरा हुआ नज़र आएगा और हम यहाँ आकर टकराएंगे और लोग निकलेंगे इस्लामाबाद पिंडी से। बिल्कुल 0/0, चंद या चंद हज़ार मौलाना के कमिटेड लोग आए और वो आके वापस चले गए और तहरीक नाकाम हो गई। उसका बड़ा दूसरी बड़ी पार्टी है PMLN, उनके मियाँ साहब सेहत का जो भी बहाना था या जो भी था बना के बाहर चले गए, शहबाज साहब केसों में जकड़े हुए हैं और उनके और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खुल गए हैं, बच्चे उनके भागे हुए हैं, बड़े मियाँ साहब के, छोटे मियाँ साहब के केसों में, उनके बाल बाल केसों में उनका यानी वो है, मरियम साहिबा को चुप लगी हुई है बड़े अरसे से, जरदारी साहब का जो केस है वो लॉजिकल एंड पे है, पीपल्स पार्टी सुकड़ के सिर्फ सिंध में रहेगी या पंजाब में, 1000-1200 उनको वोट नहीं पड़ता। तो किस हम कौन सी बातें कर रहे हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है? तीन बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुकूमत को ना जो मौशी चैलेंज था वो है, अभी भी महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन उसकी तरफ हम जा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ गई, इंटरनेशनल सारे इदारे हैं वो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है। अगर इन्होंने कल मुजाहरे का ऐलान किया कि पाकिस्तान में हम मुजाहरा करेंगे, और पाकिस्तान में मुजाहरा तो नहीं हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लंदन में जो वहाँ के शहरी हैं वो निकले हैं और वो निकल के एक आज़ाद मुल्क में इनको बुरा वाला कहना शुरू हो गए, तो इसके में मुझे नहीं समझ आ रही कि चाय की प्याली में तूफ़ान किस लिए आ रहा है। शायद इसलिए आ रहा है कि लोगों को ये यकीन ही नहीं आ रहा कि वो माफिया जो इस मुल्क में हुक्मरान था वो जा चुका है और अब एक नया दौर है, नया निज़ाम है, उसमें ज़ाहिर है मुश्किलात भी ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आपके मुआशी इंडिकेटर्स सारे मुस्बत हो रहे हैं, ठीक है एक ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और डॉलर का तो वज़ीर-ए-आज़म को बदलने, ये जो इतनी बातें, अगर वज़ीर-ए-आज़म को बदलने से सियासी बोहरान, वज़ीर-ए-आज़म को बदलने से सियासी बोहरान बदल जाए तो क्या हो जाए, क्या मुश्किल, क्या बुरी बात है सर? आप आ जाएं वज़ीर-ए-आज़म, देखें मुझे ऑप्शन बता दें, क्या बुरी बात, आप ऑप्शन बता दें कि क्या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो पब्लिक में क्रेडिबिलिटी जीरो छुपते फिर रहे हैं, मरियम साहिबा की जुबान बंद है, बिलावल साहब अब्बू के केस भुगत रहे, उनको बना दें, और पीटीआई में मैं समझता हूं इमरान, पीटीआई में क्या, पाकिस्तान में क्या, पीटीआई में तो इमरान खान के कद का कोई लीडर है, वो इमरान खान के कोई सरे महल पकड़े गए हैं,
इमरान खान के को पानामा लीक्स में को प्रॉपर्टी आ गई है, को लंदन के फ्लैट से इमरान खान के निकल आए, उनको हम बदल के किसी आरे गारे को नथु खारे को ले आए, क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक सियासी कारकुन हो, सियासी चैलेंज हो, तो आप हुकूमत तब्दीलियां होती हैं।